स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके पेपर के लिए, यानी कि मैं हमेशा की पॉइंट्स से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि की पॉइंट्स से अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या होने वाला है कि आपको टाइम वेस्टेज नहीं होगा, कम समय में आपको ज़्यादा मैटर प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसमें हम लोग आज डिस्कशन करेंगे पूरा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बिल्कुल ए टू जेड रहिएगा और इस पूरी वीडियो में कहीं भी स्किप नहीं करेंगे आप, क्योंकि ये एक क्वेश्चन इस छोटे छोटे कंसेप्ट से सॉल्व होगा आपके पीजीटी के पेपर में। तो पूरा मदद आपको मिलेगा इस छोटी सी वीडियो में और आप एक एक टॉपिक को डिस्कशन डीपली से करेंगे, लेकिन क्या होगा शॉर्ट में करेंगे, डीप भी करेंगे शॉर्ट भी करेंगे, यानी कि हम आपको पूरा नोट्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम का प्रोवाइड करवाएंगे बहुत ही सिंपल मेथड से। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एटम की, ये आखिरकार एटम है क्या। देखिए जैसा कि नाम आपने सुना है कि भाई ये नाम है हमारे पास एटम, ये एटम जो वर्ड आया है ये तो आपको भी पता होगा, एक मतलब यहाँ पर नो हो जाता है और टॉम्स का मतलब यहाँ पर फिर आपको डिवीज़न से पता लगता है, तो जिसके डिवीज़न ना हो सके इसी को एटम कहा गया। तो ये बात शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कारण है कि आप एटम के बारे में खूब अच्छे से जानते हैं और पूरी डिटेल आप पढ़ाते भी होंगे स्टूडेंट्स को अपने, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको एटम के अंदर ले जाने की कोशिश करूँगा और उसी एटम के अंदर ले जाने की कोशिश में मैं आपको बताऊँगा कि ये मान लेते हैं कि भाई ये हमारा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये कहलाती हैं ऑर्बिट्स। क्या कहलाती हैं? ऑर्बिट्स कहलाती हैं। इन ऑर्बिट्स में भैया घूमता है इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्बिट्स में अब मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन को घुमाते हैं, ये हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घुमा दिए, ये यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन घुमा दिए, ठीक है ना। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घुमाया, इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी घुमाए, इन्हें थोड़ा आपके अकॉर्डिंग मैं कलर बदल देता हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया। तो अगर हम लोग ये बात कर लेते हैं कि एटम के अंदर रहता कौन कौन है, तो एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स रहते हैं और तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स को आप जानते होंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स तीनों कहलाते हैं। एक कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉन, एक फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है इलेक्ट्रॉन जिसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल कहलाता है आपका प्रोटॉन, प्रोटॉन कहलाता है जिसे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और तीसरा फंडामेंटल पार्टिकल आपका इसे पॉजिटिव भी लगा सकते हैं और यहाँ कहते हैं न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होता है नेचर में इसलिए इसको हमने न्यूट्रॉन बोला इसको स्मॉल एन से। तो तीनों का रिप्रेजेंटेशन आपको मैंने दिखा दिया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन क्या है। अगर हम लोग मास की बात कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास भी डिस्कशन यहीं पर बिल्कुल पूरी बात करते चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा। ऐसा करते एक टेबल फॉर्म में से लेकर के आते हैं, उसी टेबल फॉर्म में हम लोग समझेंगे, यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर लें तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। अगर प्रोटॉन की मास की बात कर लेते हैं तो वो भी हो जाता है 1.672 होता है, तो यहाँ पर 672 लिख देते हैं × 10⁻²⁷ किलोग्राम हो जाता है। अगर हम लोग प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास की बात कर लेते हैं तो 1.675 होगा, यहाँ पर इतना ही चेंज है, × 10⁻²⁷ किलोग्राम। चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज यहाँ पर कितना होगा, माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम हो जाएगा। यहाँ पर बस चार्ज में अंतर रहेगा, प्लस में हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो बेचारे इनके ऊपर कोई चार्ज ही होता नहीं है, यानी कि ना ये मेल है ना फीमेल है, तो आप समझ सकते हैं किस कैटेगरी में ये आते होंगे। तो खैर ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन ई बाई एम, तो यहाँ पर ये तो आपका कहलाता है इसका मास, मैंने लिख दिया ये मास कहलाएगा, और ये आपका आ गया चार्ज, ये चार्ज आ गया, और इसके बाद आ गया ई अपॉन एम रेशियो। ई अपॉन एम रेशियो अगर देखें तो कितना होता है, ई अपॉन एम रेशियो होता है 1.76 × 10⁸ हो गया आपका, × 10⁸ किलो कूलम पर ग्राम हो जाता है। इसका अगर हम लोग देखें तो इसका 9.4
5×10^10 हो जाता है आपका 4 कूलम पर ग्राम, ये भी आपका कूलम पर ग्राम हो जाता है। और अब हम लोग डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि डिस्कवरी किसने किसकी की। तो जे जे थॉमसन ने जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, तो मैं यहाँ पर अलग से लिखे दे रहा हूँ इसको, इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी की थी, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी आपकी, आपको पता होना चाहिए, जे जे थॉमसन साहब ने की। जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। जबकि प्रोटॉन को जो डिस्कवर किया गया था, वो प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने किया गया था, गोल्डस्टीन ने, लेकिन मैक्सिमम लोग कहते हैं कि रदरफोर्ड ने किया गया। जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मुझे पता है, ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि नाम जो प्रोटॉन रखा है, ये प्रोटॉन नेम दिया गया है, ये प्रोटॉन नेम दिया था रदरफोर्ड ने, यानी कि रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था। ये बात ध्यान रखने वाली कि रदरफोर्ड ने नाम दिया था। जबकि जबकि जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी कैनाल रेस के थ्रू ही, और कैनाल रेस की डिस्कवरी जो थी वो गोल्ड स्टीन ने की थी। तो श्रेय जो है प्रोटॉन की डिस्कवरी का, तो गोल्ड स्टीन को ही जाना चाहिए। जबकि मतलब तो कहने का तात्पर्य है कि प्रोटॉन जो नेम, यानी कि पंडित जी कौन है, रदरफोर्ड है, लेकिन पैदा करने वाले कौन है, गोल्ड स्टीन है। नामकरण संस्कार हमें लग रहा है कि रदरफोर्ड साहब ने किया था। खैर कोई बात नहीं, इसके बाद हम लोग न्यूट्रॉन पे आ जाते हैं, और न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो न्यूट्रॉन का मतलब हो गया, इसको डिस्कवरी आपको आपको पता है कि जेम्स चैडविक साहब ने की थी। तो इसकी डिस्कवरी को श्रेय, इसकी डिस्कवरी का श्रेय जेम्स चैडविक साहब को जाता है, ये गोल्डस्टीन और ये जे जे थॉमसन। ये मैंने आपको सिंपल सी बातें बताई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और जानते हैं कि आखिरकार कुछ और रहस्यमयी बातें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में। सबसे पहले हम एटम की बात कर देते हैं। देखिए, अगर हम लोग एटम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, और एटम को हम ड्रॉ करते हैं, बड़ा सा एटम ड्रॉ करें, तो ज़रा थोड़ा सही लगेगा। ये मैंने न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से न्यूक्लियस ड्रॉ कर दिया। इसके चारों तरफ जो है वो भैया मैंने ऑर्बिट बना दी, इस तरीके से मैंने ये ऑर्बिट बना ली। ठीक है, एक ऑर्बिट ये हो गई, एक ऑर्बिट मैंने, चलो ये। अब यहाँ पर हम रेडियस की बात करें, तो देखो क्या है कि अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लोग काउंट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये हो गई पूरी डिस्टेंस रेडियस को बताइए, और रेडियस मान लेते हैं ये कैपिटल आर है। तो ये कैपिटल आर जो होता है, ये रेडियस ऑफ एटम, आर ए मान लीजिए, रेडियस ऑफ एटम मान लीजिए, और रेडियस ऑफ एटम होता है 10^-10 मीटर का होता है, जिसे हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर भी बोल देते हैं। लेकिन ये जो इतना हिस्सा अंदर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जिसे हम लोग ब्लैक से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला हिस्सा, ये स्मॉल आर मान लीजिए। तो अगर ये स्मॉल आर यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की बात करें, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10^-15 मीटर का हो जाता है, यानी कि 1 फेमटोमीटर के बराबर। तो दोनों रेडियस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। कभी कभी सिंपल क्वेश्चंस में रेडियस आपसे डिस्कशन कर लिया जाता है कि भैया इसका रेडियस क्या होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में भी बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो यहाँ पर ये तो आपको बता ही दिया है कि इलेक्ट्रॉन की जो डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो थी, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो है, ये फंडामेंटल पार्टिकल, इसको डिस्कवर किया था आपको पता है जे जे थॉमसन ने। लेकिन इससे पहले जो कैथोड रेस पे काम किया था, कैथोड रेस पे जो काम किया था, वो जूलियस प्लकर ने किया था। यानी कि कैथोड रेस का काम जो था, वो जूलियस प्लकर के नाम पे चला जाता है। तो इन साइंटिस्ट के नाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनके नाम की ज़रूरत रहती है। इलेक्ट्रॉन जो नेम, जैसे प्रोटॉन नेम की बात आई थी, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का जो नाम है, वो इलेक्ट्रॉन का नाम, इलेक्ट्रॉन किसने दिया, तो ये जो श्रेय जाता है, ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम स्टोनी था, तो इन्हें स्टोनी को जाता है। तो ये जूलियस प्लकर ने कैथोड रेस की डिस्कवरी की थी, जबकि इलेक्ट्रॉन नेम जो है कि नेम किसने दिया था, इलेक्ट्रॉन वो स्टोनी ने दिया था। और यहीं पर ई अपॉन एम रेशियो जो इलेक्ट्रॉन का निकाला था, वो ऑयल्स ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकाला था मुलिकन ने। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मुलिकन ने निकाला था, मुलिकन ने, और ये मुलिकन ने किससे निकाला था, ये भी आपको बता देना चाह रहा हूँ कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट एक यूज़ किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। ये आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा भी होगा और पढ़ाते भी होंगे, तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट यूज़ किया था, जो एक्चुअल मास इलेक्ट्रॉन पे है
यानी एक्चुअल अगर मास की बात कर लेते हैं तो एक्चुअल मास किसने बताया था वो भी आपको बता दे रहा हूँ। ये हो गया आपका एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल मास इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉमसन ने ही बताया था, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो वॉज गिवन बाई जे जे थॉमसन। नाउ रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन के रेडियस की बात कर लेते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप ढूंढेंगे बहुत दिक्कत होगी, लेकिन ना हम ढूंढने नहीं देंगे आपको। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाता है 42.8 × 10⁻⁵ माना गया है इसका। जो अप्रोक्सीमेशन है वो 42.8 × 10⁻⁵ गया चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस पर भी ज़रा पूरा डिस्कशन करते हैं कि चार्ज आखिरकार एक इलेक्ट्रॉन पे होता कितना है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, बात पूरी डिटेल में बात करेंगे चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आएगा। तो अब आप हमें बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मतलब हो गया कि हम लोग, सॉरी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें। पहले तो चार्ज ऑन एक इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम हो जाता है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे अगर हमें चार्ज निकालना है तो पहले 1 मोल इलेक्ट्रॉन देख ले कितने होते हैं। ये होते हैं 6.022 × 10⁻²³ होते हैं। अब ये बताइए कि एक पे इतना है तो फिर 1 मोल में कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 6.022 × 10⁻³² × 1.6 × 10⁻¹⁹। ये वैल्यू जो भी आए लेकिन लगभग राउंड राउंड ऑफ कर दिया थी 9,965 कूलाम वैल्यू मानी जाती है। वैसे 480 समथिंग आता है लेकिन इसे हम लोग 9,650 कूलाम, और ये फेराडे ने डिस्कवर की थी इसलिए इसको हम लोग 1 फेराडे के बराबर बोल देते हैं। तो 1 फेराडे इज इक्वल टू कितना माना गया, 9,650 कूलाम नियरली मान लिया गया है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं कि प्रोटॉन में क्या खास बात है कि भाई, चलो प्रोटॉन की बात कर लेते हैं कि प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, पता है आपको, नाम दिया था रदरफोर्ड ने नाम दिया था इसको। डिस्कवरी जो की थी गोल्डस्टीन ने, तो गोल्डस्टीन ने जो डिस्कवरी की वो किससे की थी, कैनाल रेस से की थी। आखिरकार ये नाम कैनाल रेस कहाँ से आ गया। ये कैनाल रेस नाम जो आया है, आपने देखा होगा ये छोटे छोटे पोर्स बनाए गए थे जो, यानी परफोरेटेड जो कैथोड लगाया गया था उसमें छोटे छोटे पोर्स बनाए गए थे, इन्हीं को कैनाल नाम दिया गया था और यहीं से ये पास हुई थी रेस, तो इसलिए इनको हम लोग कैनाल रेस के नाम से भी जानते हैं। ये एनोड से पैदा हुई थी, यानी कि एनोड रेस भी नाम दिया गया था इनको। तो प्रोटॉन जो कैनाल रेज है और जो एनोड रेज है वो एक ही बात है, एक ही नाम दिया गया था। और इसका नाम प्रोटॉन कहाँ से आया, ये प्रोटॉन नाम जो है, प्रोटॉन का मतलब होता है प्रोटियस से वर्ड आया था, और प्रोटियस का मतलब हो जाता है आपका फर्स्ट पार्टिकल। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्टिकल, और ये फर्स्ट पार्टिकल का मतलब ही था प्रोटॉन, ठीक है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था, 9,650 कूलम। तो इसी तरीके से 1 मोल अगर हम लोग प्रोटॉन की बात कर लेते हैं तो 1 मोल प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 1 मोल प्रोटॉन पे भी चार्ज जो निकल के आएगा वो आएगा कितना, चार्ज यहाँ पर निकाल देते हैं, चार्ज आ जाता है आपका 9,650 कूलाम ही आएगा। यहाँ पर भी वही चार्ज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब इसके अलावा भी कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल पॉसिबल हुए कि हम लोग कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सम अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स एक हेडिंग बना लेते हैं, सम अदर फंडामेंटल, सम अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स, और कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हुए एटम के अंदर वो भी हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस पूरी वीडियो में। सो सबसे पहले हम ये आपको बता देते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के अलावा कौन थे। यानी कि अगर हमने ये यहाँ पर एटम लिखा, इसमें जो आपने पार्टिकल पढ़े वो मेनली क्या क्या थे, वो पार्टिकल्स थे आपके
इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे थे प्रोटॉन, और यहाँ थे आपके न्यूट्रॉन। तो अब इन पार्टिकल्स के अलावा कौन कौन से पार्टिकल, ये तीन तो फंडामेंटल कहलाए। इसके बाद जो पार्टिकल थे उनके नाम और डिस्कवरी भी हम लोग बात करते चलते हैं। इसके बाद सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्टिकल, अब इसके अंदर भी हम पार्टिकल्स निकाल रहे हैं, तो सबसे पहला हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि सबसे पहला पार्टिकल कौन था। ये लिया हमने, और यहाँ पर इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्टिकल हमें यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। नंबर वन, एक तो हम ले लेते हैं यहाँ पर पॉजिट्रॉन, हम ले लेते हैं यहाँ पर पॉजिट्रॉन। ये हमने पॉजिट्रॉन ले लिया, इसको एंडरसन ने डिस्कवर किया था, एंडरसन ने इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद हम लोग न्यूट्रिनो की बात कर लेते हैं। एक पार्टिकल न्यूट्रिनो भी जाना गया था, और न्यूट्रिनो को डिस्कवर किया था। न्यूट्रिनो के साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो भी लिख लीजिए, वो दोनों एक साथ ले लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो की बात कर लेते हैं, यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो की बात भी कर लेते हैं। तो ये एंटी न्यूट्रिनो फर्मी ने डिस्कवर किया था, और फर्मी ने ये पार्टी, ये तो एंडरसन ने किया था, ये किया था आपका फर्मी ने। लेकिन दोनों की डिस्कवरी जहाँ तक मुझे आइडिया है वो 1932, और इसकी भी 1932 के आसपास ही हुई है डिस्कवरी। इसके बाद पाई मीजोन दो थे, एक था पाई मीजोन पॉजिटिव और एक था पाई मीजोन नेगेटिव। तो ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पाई मीजोन की डिस्कवरी यूकावा ने की थी, यू कावा ने की थी। तो इस तरीके से इन वैज्ञानिकों के नाम यूकावा है और फर्मी है और एंडरसन, इनके लगभग तीन नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि भाई ये मेन साइंटिस्ट रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के अंदर ये भी बताया कि अभी इलेक्ट्रॉन के अंदर जो तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनके अलावा, ये पार्टिकल के अलावा भी नियरली 200 पार्टिकल्स आर पॉसिबल इनसाइड द एटम। एटम के अंदर 200 पार्टिकल्स की पॉसिबिलिटी और हो सकती है। तो अब मॉडल्स, जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है, तो अब आप जान लेते हैं कि एटम के अंदर फिर मॉडल्स क्या होंगे। तो मॉडल कौन कौन से ज़्यादा फेमस हुए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर मॉडल्स लिख लेते हैं, मॉडल्स ऑफ एटम। एटम के मॉडल जो दिए थे, सबसे पहला मॉडल जिसमें आया था सामने, वो नाम था आपका थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, इसको वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया था। तो यहाँ हम लिख देते हैं थॉमसन्स, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। और थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम में सबसे इम्पोर्टेंट नाम था, जिसका नाम था वाटर मिलन मॉडल ऑफ एटम, जिसमें वाटर मिलन मॉडल भी बोला गया था। वाटर मिलन मॉडल आप समझ ही रहेंगे क्यों बोला हो गया गया होगा, ये बिल्कुल तरबूज की तरह था, इसलिए इसको वाटर मिलन मॉडल भी बोला। प्लम पुडिंग मॉडल भी इसको बोला गया था। उसके बाद दूसरा जो मॉडल आया था बी पार्ट इसका है, वो रदरफोर्ड मॉडल पे आया था। और रदरफोर्ड मॉडल की शायद कमी भी आपको जानकारी में होगी कि रदरफोर्ड मॉडल की जो कमी थी वो यही थी कि ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम नहीं बता पाया, यानी इसके पॉस्टुलेट्स और ड्रॉबैक पे भी आप नज़र अपनी एक डाल लीजिएगा। इसके पॉस्टुलेट्स क्या थे, मेन मेन पॉइंट्स क्या थे, उन पे उनको भी ध्यान रखना है, और इसके ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक इसका क्या था वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की बात कर लेते हैं। अब हम लोग एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो ये जान लेते हैं कि भाई सबसे पहले हम बताएं आपको कि एटॉमिक नंबर को जो डिस्कवर किया था वो एटॉमिक नंबर मोजले ने दिया था। एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर किसने दिया था, ये मोजले एक साइंटिस्ट थे जो पीरियोडिक टेबल में भी जिनका नाम आता है, तो वही वैज्ञानिक है ये मोजले। और इन्होंने बताया था 1913 में, बताया था कि भाई एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर में सबसे पहले हम बता देते हैं, जैसे कि कोई एलिमेंट आपने यहाँ पर एक्स लिखा है, इस एक्स एलिमेंट के अगर यहाँ पर कोई चीज़ लिखी गई बॉटम पे, ये हम लोग एटॉमिक नंबर मान लेते हैं, और इसके सिर पे अगर कोई चीज़ यहाँ पर लिखी गई, इसे हम लोग मास नंबर मान लेते हैं। और ये आपका हो जाता है सिंपली, ये आपका हम मान लेते हैं, चलो ये हो गया आपका एटम, ये एटम हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि एटम के अंदर कौन कहाँ रहता है, ये चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। चलिए इसे हटाते हैं, एटम के अंदर कौन कहाँ रहता है ये आपको पता लग गया। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए हमने लिखा, जैसे ये लिख दिया मैंने सोडियम, और नीचे मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पर, सपोज कर लें 11 सोडियम 23,
थ्री। तो ये जो 11 है वो जेड इज इक्वल टू 11 हो जाता है और यहाँ पर ए इज इक्वल टू आपका 23 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आइसो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो आप सिंपली निकाल ही देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं, इसमें बताने वाली बात भी नहीं। अब हम कुछ ऐसे टर्म की बात करते हैं जो टर्म आपको बहुत ही सहूलियत देंगे। वो टर्म क्या है, जैसे नंबर वन पहला टर्म ही हमारे सामने है और वो टर्म है आइसोटोप। क्या होता है आइसोटोप, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आइसोटोप्स का मतलब होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस इन मास नंबर। जैसे कि 1H1 ले लीजिए, जैसे कि 1H2 ले लीजिए, 1H3 भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से तीन हो गए हाइड्रोजन के। कार्बन का देखिए 6C12 हो जाता है, 6C13 हो जाता है, 6C14 हो जाता है। इस तरीके से कार्बन के आइसोटोप मैंने बोले। इसी तरीके से आप नाइट्रोजन के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, तो ऑक्सीजन में लिख लीजिए 8O16 आपने सुना होगा, 8O17 आपने सुना होगा। तो ये आइसोटोप्स ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट देयर मास नंबर। इसके बाद आइसोबार्स की बात कर लेते हैं कि भाई आइसोबार्स क्या होते हैं। तो आइसोबार में अगर हम चलते हैं तो आइसोबार का मतलब होता है जिनका मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 1H3 ले लेते हैं और यहाँ 2HE3 भी ले, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो ये भी है। फिर हम दूसरा एग्जांपल इसमें ये भी डिस्कशन कर सकते हैं कि 18 आर्गन 40 ले सकते हैं और दूसरा 19 पोटेशियम 40 ले सकते हैं। ये भी एक दूसरे के आइसोबार ही माने जाते हैं। अब तीसरा जो टर्म है, जो तीसरा टर्म हमें ध्यान रखना है, उसका नाम है आइसोटोन्स। तो यहाँ पर हम लोग आइसोटोन को देखते हैं कि भैया ये आइसोटोन क्या, अब नाम ही बता रहा है कि आइसोटोन्स का मतलब यहाँ न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन्स का नंबर भी सेम होगा। अब न्यूट्रॉन्स का नंबर कहाँ कहाँ सेम हो सकता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 14 सिलिकॉन 14 सिलिकॉन 30 ले लिया, 14 सिलिकॉन 30 ले लिया और 15 15 फॉस्फोरस, यहाँ पर मैंने 15 फॉस्फोरस 31 ले लिया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 16 सल्फर 32 भी ले लिया, 16 सल्फर 32। अब क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना निकल के आ गया, यानी 30 माइनस 14 इज इक्वल टू आपके 16 आ गए। यहाँ 31 माइनस 15 यानी कि 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6 बचा, और यहाँ पर आपका फिर आ गया 16। और यहाँ 32 में 32 यानी कि सेल 16, 32 माइनस 16 यहाँ पर 16। तो इस तरीके 16 16 16 सभी में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसलिए इनको आइसोटोन्स नाम दे दिया गया। इसी के बाद एक और वर्ड आता है जिसका नाम है आइसोडायफर्स। तो हम लोग यहाँ पर आइसोडायफर्स की बात कर लेते हैं और आइसोडायफर्स में क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। आइसोडायफर्स मतलब सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, डिफरेंस सेम आना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ कि सेम डिफरेंस इन द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का जो डिफरेंस है वो कैसा आना चाहिए, सेम नंबर आना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। जैसे कि एग्जांपल से हम लोग बात करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, उस पर ज़्यादा समझ में भी आने वाला है कि उससे, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया 92 यूरेनियम 238, यहाँ पर लिख देता हूँ 92 यूरेनियम 238, ठीक है, और दूसरा मैं ले लेता हूँ 90 थोरियम 234। अब जरा डिफरेंस ऊपर निकालते हैं, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ प्रोटॉन है 92। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने हैं, यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गए आपके 1, घटा दीजिए 146 हो गए। अब इनका डिफरेंस निकालिए, इनका डिफरेंस आएगा 146 माइनस 92 इज इक्वल टू आ गया आपका, कितना आ गया, 56 में से अगर 54 आ जाता। इसी तरीके से यहाँ देखते हैं प्रोटॉन कितने हैं, 90 हैं, और आपका न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे आपके
यहाँ पर 144 डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस चेक कर लेते हैं। यहाँ का 144 माइनस 90 इज इक्वल टू 54, यानी दोनों में डिफरेंस जो है आपका सेम आया बिल्कुल। इसका मतलब है ये एक दूसरे के, ये वाला एलिमेंट यानी कि अगर हम बात करें तो ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट और ये दो वाला एलिमेंट एक दूसरे के डायफर्स माने गए हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पेज पहुंच लेते हैं। एक टर्म और बचा है जिसे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो हम आइसो इलेक्ट्रॉन को भी जान लेते हैं कि भैया आइसो इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ होते हैं, उन्हें भी जाने तो देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव वाला, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव वाला, क्लोरीन पे 1 नेगेटिव वाला, ये भी एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ये भी एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज याद रखिएगा। इसके बाद एक टर्म और है आइसो एस्टर्स, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भैया आइसो एस्टर्स क्या चीज़ होती है। ये भी एक नया टर्म लगेगा, लेकिन आप लोग तो खैर विद्वान इंसान है, तो यानी सेम नंबर ऑफ एटम्स विद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सिमिलर बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सिमिलर बॉन्डिंग, यानी कि जो यानी आइसो एस्टर्स का मतलब ऐसे समझ ले जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो, है ना, एटम भी सेम हो, इलेक्ट्रॉन भी सेम हो, और उनका जो बॉन्डिंग हो वो भी सेम आनी चाहिए। तो सिंपल समय लिख देते हैं, सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम नंबर ऑफ एटम्स विद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सिमिलर बॉन्ड, सिमिलर बॉन्डिंग। मैंने थोड़ा शॉर्टकट में लिखा है इसलिए इसको आप ऐसा ना समझे कहीं पूरी लैंग्वेज। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब इसमें एक एग्जांपल और जो होते हैं, दोनों एक दूसरे के हैं या नहीं ये भी चेक करा देंगे आपको। यहाँ डबल बॉन्ड एन, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव लगा लीजिए, इस पे नेगेटिव लगा लीजिए। अब आप यहाँ देखिए सेम नंबर ऑफ एटम्स है कितने हैं, 1 2 3, भाई यहाँ पर एटम एक है, एक दो है, ये तीन है, यहाँ पर एटम के नहीं है, 1 2 3 सेम नंबर ऑफ एटम्स हो गए। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लीजिए, देखिए इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम ऑटोमेटिक आना, कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। अब एक टर्म इसके बाद हम लोग नए पेज से डिस्कशन करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो यहाँ पर हम लोग टर्म हेडिंग बना लेते हैं, इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है ये तो आपको पता ही है, इसमें बताने की बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ ज़रूरत है वो आपको बताएंगे कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम लोग बनाते हैं तो इस तरीके से एक लाइन खींची, सिंपली इस तरीके से लाइन खींच लें, ज़रा सीधी लाइन खींचे हम लोग इस तरीके से, यहाँ मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, यहाँ पर भी हम लोग एक सीधी लाइन खींच लेते हैं इस तरीके से। अब हम लोगों ने करना क्या है कि भाई एक वेव बनानी है, और वेव हम लोग बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके से, ये वेव ऐसे बनाते, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है कि जानना है कि इसमें कौन कौन से टर्म है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ये तो कहलाती है आपकी, क्या कहलाती है, एम्पलीट्यूड, मतलब स्मॉल ए से रिप्रेजेंट होती है। ऊपर वाला जो टर्म है ये आपको कहलाता है, ऊपर वाला जो इसकी इसे बोलते हैं जो ना, ये तो डेप्थ हो गई, और ये आपकी हो गई क्रेस्ट, और ये हो गई ट्रफ। तो ये जो हाइट आती है ये क्रेस्ट कहलाएगी, और डेप्थ निकल के आती है, यहाँ पर भी ए बराबर होगा, जो ये होगा वही ए ये होगा, और ये आपकी कहलाती है ट्रफ, ये आपकी ट्रफ कहलाती है। तो अब यहाँ से दो क्रेस्ट के बीच का अगर डिफरेंस निकाल दें तो ये लैम्डा के बराबर आएगा, या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस निकाल दें तो वो भी लैम्डा के बराबर आएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी मैक्सवेल ने 1870 में दी थी, ये बात यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ। तो ये थ्योरी आपने मैक्सवेल मैक्सवेल ने दी थी, और कब दी थी, 1870 में ये थ्योरी दी थी, और इसको हम लोगों ने नाम जाना था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी।
यानी कि इसका नाम अगर देखें तो नाम हो जाता है आपका इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी, इसको बोला गया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये थ्योरी है। अब यहीं पर कुछ टर्म हैं जिनको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा, और एक एक टर्म अगर क्लियर रहेगा तो हमें पढ़ने में आसानी रहेगी। पहला टर्म है हमारे लिए वेवलेंथ। देखिए क्या है, नंबर वन हम लोग बात कर लेते हैं, रिवीजन आपका एकदम बढ़िया से हो रहा होगा, वेवलेंथ। और इस वेवलेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा दिखाएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोग ये लैम्डा बना लेते हैं, ये लैम्डा हो। और अब करना क्या है कि लैम्डा की जो यूनिट अधिकतर यूज की जाती है वो वन एंगस्ट्रॉम, वन एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻¹⁰ के बराबर होता है। इसको कभी कभी पिकोमीटर में भी लिखते हैं, और पिकोमीटर का मतलब 10⁻²⁰ के बराबर हो जाता है। अब दूसरा टर्म जो हमारा यूज़ होगा उसका नाम है, दूसरे टर्म का नाम है फ्रीक्वेंसी। तो अब ये फ्रीक्वेंसी क्या वाला है देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू, है ना, बार से। ये रिप्रेजेंट किया मैंने फ्रीक्वेंसी को। अब ये इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ द वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंपल सा है, नंबर ऑफ द वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो न्यू इज इक्वल टू, न्यू बार नहीं, सॉरी यहाँ पर न्यू ही होगा, क्योंकि न्यू के ऊपर जो बार लगा दिए तो वो वेव नंबर बन जाए, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। चलिए छोड़िए, तो ये न्यू इज इक्वल टू हो जाता है सी अपॉन लैम्डा के बराबर। ये एक फार्मूला है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग इसको नापते किस में हैं, हर्ट्स में भी नापते हैं, है ना। तो इसको हर्ट्स में भी, इसे एच जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और 1 हर्ट्स के बराबर क्या होता है, तो 1 हर्ट्स जो होता है, 1 हर्ट्स इज इक्वल टू हो जाता है 1 साइकिल पर सेकेंड। तो आगे लिख देते हैं 1 साइकिल पर सेकेंड हो जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, तीसरा टर्म हमारा इसके साथ है वेलोसिटी। देखिए एक एक चीज़ बिल्कुल आपको बताता चल रहा हूँ, और शॉर्ट में भी हो रही, पूरी छूट भी नहीं रही। वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी को सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यह है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, यानी कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है वो 1 सेकेंड में, वो कहलाती है आपकी वेलोसिटी। तो अब इसको वेलोसिटी ऑफ लाइट आप जानते हैं, 3 × 10⁸ m/s माइनस दिख रहा है, फिलहाल ऐसा लिख दें, हाँ 8 m/s, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। इसको भी ध्यान रखिएगा। वेव नंबर क्या होता है वो भी, फोर्थ टर्म भी आप क्लियर कर लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं वेव नंबर, और वेव नंबर को न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो न्यू बार इज इक्वल टू हो जाता है 1/λ हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ द लैम्डा बोला जाता है। तो नंबर ऑफ द वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ द वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ में जो आती है उसको वेव नंबर बोलते हैं। तो न्यू बार इज इक्वल टू, एक फार्मूला और ध्यान रखिएगा, न्यू बार इज इक्वल टू हो जाता है 1/C/ν हो जाता है। इसका मतलब न्यू अपॉन सी भी इसको लिखा जा सकता है, या न्यू बार इज इक्वल टू हो सकता है न्यू अपॉन सी। इस तरीके से इस फार्मूले को भी ध्यान में आपको रखना पड़ सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी हैं वो चीज़ ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी हैं। यहाँ हेडिंग बना लेते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में सबसे पहली जो रेडिएशंस आती हैं वो कौन सी, सबसे पहले आपने देखी होगी कॉस्मिक रेज, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज हो गई। उसके बाद जो आ जाती है वो आ जाती है आपकी गामा रेज, गामा रेज। उसके बाद आपकी आ जाती है एक्सरेज, एक्सरेज। उसके बाद आ जाती है आपकी अल्ट्रावायलेट, यू भी लिख देता हूँ शॉर्टकट में, अल्ट्रावायलेट। उसके बाद आ जाती है आपकी विजिबल, विजिबल आ जाती है। उसके बाद आपकी IR आ जाती है, इन्फ्रारेड जिसे बोलते हैं। उसके बाद माइक्रोवेव आ जाती है, और उसके बाद आपकी रेडियो वेव आ जाती है। अब इसको याद करने की मैं ट्रिक भी यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, कॉस्मेटिक गेम का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। तो यहाँ पर एक मैं सेंटेंस लिखे दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहेगा, कॉस्मेटिक
कॉस्मेटिक, ठीक है, कॉस्मेटिक गेम का, इसमें गामा रेस रह गई है, नहीं गामा लिखी, कॉस्मेटिक गेम का एक्सरे, कॉस्मेटिक गेम का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल, कॉस्मेटिक गेम का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल, दोनों चीज़ें आ गई ना, अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो। तो कॉस्मेटिक गेम का एक्सरे अल्ट्रा विजिबल इन माई रेडियो, ये आपको याद करने का एक तरीका मिल जाएगा। तो ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में लगी है, तो ये रेज जो लगी हुई है वो किस में लगी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिख देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन आपको ये बता देना चाहेंगे वेवलेंथ का तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी का भी मान सकते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है जनाब वो कॉस्मिक में, यानी हाईएस्ट एनर्जी कॉस्मिक में है और सबसे कम एनर्जी रेडियो वेव में है, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वेवलेंथ के केस में फिर उल्टा हो जाएगा वेवलेंथ। अब अगर विजिबल की बात करें तो विजिबल को भी तोड़ा जा सकता है, तो वो नेक्स्ट पेज पे हम तोड़ के देख भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके से विजिबल रेडिएशंस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ विजिबल रेडिएशंस यानी विजिबल रेज, और विजिबल जो रेज हैं इनको तोड़ सकते हैं हम लोग कलर में, डिफरेंट कलर्स में हम तोड़ देते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग यहाँ कलर ले लेते हैं, इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं, ये बनाया। अब यहां पर क्या होता है, विवग्योर, आपने एक वर्ड सुना होगा विवग्योर, तो यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरीके से विव जी वाई ओ आर, यानी कि यहाँ पर विवक्योर मैंने लिख दिया। तो ये भी आपको पता होगा कि विवक्योर वायलेट हो गया, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये आपको पता है। अब यहाँ पर एक टर्म है जिसका नाम है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो एक नया टर्म हम लोग यूज़ करेंगे नए पेज पे, और इसका नाम होगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी किसने क्या दी थी वो सब आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं प्लैंक्स क्वांटम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या बता रही है वो बताते हैं। तो ये एक तो ये बताते हैं पार्टिकल मैटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आई थी, तो यहाँ पर लिख देते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ये किसके बारे में आई थी, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एक तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, ये थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी, कब दी थी, 1900 में दी थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसमें ध्यान रखना, एक टर्म है जिसका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और दूसरा टर्म इसमें हम लोग ब्लैक बॉडी के नाम से पढ़ेंगे, यानी कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। तो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं पता है आपको, 100% जो ब्लैक बॉडी है वो क्या होती है, मैक्सिमम जितनी टाइप की वेवलेंथ है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की पावर और इमिशन की पावर होती है इसके अंदर, यानी कि, और जो फोटो इलेक्ट्रिक है, तो यानी कि व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज फॉल ऑन द मेटल सरफेस देन द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, दीज इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो ये फोटॉन्स हैं क्या एक्चुअली में? फोटॉन क्या होते हैं? एनर्जी के पैकेट्स माने जाते हैं। अगर हम लोग फोटॉन की बात करते हैं तो फोटॉन इज इक्वल टू क्या हो गया? पैकेट्स ऑफ एनर्जी माने जाते हैं। ये हो गए आपके पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के पैकेट माने गए हैं और एनर्जी इनसे ही ट्रांसफर होती है छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। तो यहीं पर एक फार्मूला आया था जिस फार्मूले का नाम था इज इक्वल टू हो जाता था इज इक्वल टू एच न्यू। यानी कि अगर हम ये देखें कहाँ से आया, तो इज इक्वल टू हो गया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू हो गया, एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट लगा दिया। एच की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.62, 6 × 10⁻²⁻²⁷ अर्क्स हो जाती है। तो ये तो वैल्यू हो गई आपकी एच प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की, या फिर जूल में लिखना चाहें तो वो भी लिख लीजिए, 6.626 × 10⁻³⁴ जूल हो जाती है। तो इस तरीके से भी इस वैल्यू को लिखा जा सकता है। तो अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल एनर्जी इज इक्वल टू स्मॉल एन, उसके बाद एच हो जाता है, फिर न्यू। इस तरीके से एक फार्मूला ये भी जनरेट हो सकता है यहाँ पर। अब ब्लैक बॉडी तो आपको बता ही दिया कि आइडियल बॉडी दैट इमिट और एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशंस ऑफ ऑल द वेवलेंथ्स, ये ध्यान रखनी है। इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है? तो देखिए इसमें क्या है, एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग एनर्जी होती है वो बाइंडिंग एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को मिला करके होती है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाता है एक तो बाइंडिंग एनर्जी, भाई इलेक्ट्रॉन ये जो बंधा हुआ था, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना ही हो जो इजेक्ट हुआ है। काइनेट पूरी बात लिख दो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं ना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन होना, निकलना, इजेक्टेड, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर क्या, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा? एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन को अगर हम एच न्यू मान लेते हैं तो ये हो गया आपका एच न्यू, है ना। और जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन वो एच न्यू नॉट मान लेते हैं तो वर्क फंक्शन के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू जो है तुम तो अलग अलग लिख लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए यहाँ कैसे लिख देते हैं, एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच न्यू लिख देते हैं, और मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन वो भी लिख देते हैं यहाँ पर, मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू नॉट, इस तरीके से। तो अब डिफरेंस एनर्जी कितना आएगा? डिफरेंस एनर्जी का आ गया आपका, डिफरेंस इन एनर्जी इज इक्वल टू हो गया एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, इस तरीके से आ गया, है ना। तो ये ट्रांसफर, तो टोटल एनर्जी ये क्या हुआ, तो एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पर आगे वाले पेज पे मैं लिख देता हूँ। तो ये हो गया आपका एच न्यू इज इक्वल टू हो गया एच न्यू नॉट प्लस वही काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पर एम क्या हो गया, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और यहाँ पर वी आपको पता ही है वेलोसिटी हो गई, और ये वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की किसके बराबर होगी, लाइट की वेलोसिटी के बराबर होगी। अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं तो एनर्जी की भी बात करो, एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट हो गई आपकी, बोहर्स ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ बोहर्स ऑर्बिट आपकी हो जाती है कितनी, मैं लिख देता हूँ ई इज इक्वल टू हो जाता है माइनस का 13 12 ऐसे याद रखना अपॉन एन स्क्वायर इंटू
जेड स्क्वायर, ये किलो जूल पर मोल में हो जाती है, किलो जूल पर मोल में ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके बाद हमें जो किलो कैलोरी पर मोल में भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस का 131 माइनस का 313 होती, सॉरी माइनस का 313.6 लिखना चाहो लिख दो, अपॉन में वही एन स्क्वायर रहेगा इनटू आपका जेड स्क्वायर रहेगा, लेकिन अब ये हो गई आपकी किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक है ना। अब अगर इसको लिखना चाहें आप एनर्जी को तो लिख सकते हैं माइनस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से कुछ एनर्जी याद रखिएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की। और इसके बाद हम लोग लास्ट में पढ़ लेते हैं रेडियस, तो रेडियस भी एटम का पढ़ लेते हैं, तो रेडियस इज इक्वल टू हो जाता है बोहर ऑर्बिट का, है ना, ऑर्बिट का, है ना, रेडियस ऑफ लिख देते हैं पूरा, रेडियस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका आर यानी 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड एटॉमिक नंबर है, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू आपका हो गया 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये फार्मूला किसी पे भी अप्लाई करिए, रेडियस आपका निकल आएगा। तो ये मैंने आज आपको टोटल बताया, अब नेक्स्ट इसी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से जुड़ी बातें बस बहुत सारी बताऊंगा, जैसे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, इमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या होती है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, क्वांटम नंबर क्या है, आखिरकार पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं, ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, हाउ ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बताऊँ इसका आंसर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि क्वेश्चन था मैं आपको बताता हूँ यहीं पर, ट्रिक भी बताऊँगा, क्वेश्चन भी दूंगा, ऑप्शन भी दे रहा हूँ आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल पहला ऑप्शन दे रखा था 2, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 3, तीसरा ऑप्शन दे रखा था 6 और चौथा ऑप्शन दे रखा था इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा जरा आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर इसका आंसर आप बताते हैं तो हम भी फिर आपसे डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार जो आपने आंसर बताया है वो क्या होगा और आंसर क्या आपने सही बताया नहीं बताया, इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिए, ध्यान से समझिए और इस क्वेश्चन का जवाब में हम आपका इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।